सो हे गाइस, मैं इमरान से स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो आज की इस वीडियो में सुपर टेट स्पेशल के लिए एक छोटे से चैप्टर को बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर हमारे पास काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है हमारे पास, आपने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाले क्वेश्चन काफी बार देखे होंगे, एक से दो क्वेश्चन सुपर टेट के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने वाले नोट्स बोल सकते हैं, क्या क्या नोट्स हैं हमारे पास टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड। आफ्टर देन इसके बाद टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करेंगे, जो हमारे बोल सकते हैं पीवाई क्यूएस वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या नोट्स है, डेफिनेशन क्या होती है, थोड़े बहुत फॉर्मूले, कुछ ट्रिक क्या क्या होती है वन बाय वन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं चाल बोलते किसे। मैं आपको नॉर्मली हिंदी में भी डेफिनेशन दे सकते हैं, एकांक समय में किसी वस्तु या भी बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वस्तु को हम ऑब्जेक्ट या थिंग्स भी बोल सकते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल की हुई जो भी हमारे पास डिस्टेंस होगी, पर्टिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं। एकांक समय मतलब पर यूनिट टाइम होना चाहिए हमारे पास। स्पीड के फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। हमारा पॉइंट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को लर्न करना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके फॉर्मूले को समझना है। क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एकांक समय में पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, अपॉन में टाइम होता है पर यूनिट टाइम बोलते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी इसकी चाल होती है, तो हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, यस और नो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब इसकी यहीं पर यूनिट की अगर मैं बात करूँ ना, तो हम चाल की हमारे पास यूनिट क्या होती है वो भी हमें क्लियर हो जाएगी। डिस्टेंस को सबको पता है, नॉर्मली मीटर में भी देखते हैं, किलोमीटर में भी देखते हैं, आपको सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, वहां पर हम एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम को हम लेते हैं सेकंड में, तो आपको एक मिनट के लिए बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। स्पीड को हम क्या यूनिट आती है, स्पीड को मैं एक मिनट के लिए स्पीड ही लिख देता हूँ। यूनिट ऑफ स्पीड हमारे पास क्या होती है, यूनिट ऑफ एस मतलब स्पीड के लिए लिख दे, क्या यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, अपॉन को पर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अगर मैं यहाँ पर मीटर की जगह किलोमीटर डिस्टेंस लेता, किलोमीटर, तो मुझे अपॉन में जो टाइम है ना वो आवर में लेना होता, क्योंकि एमकेएस और सीजीएस का कॉन्सेप्ट है, तो मीटर के साथ आवर आएगा। कैसे आएगा एक चीज और मैं दोबारा बता दूं, एमकेएस आपने सुना होगा मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसी होती है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ऐसा ही सिस्टम देखा होगा वो किलोमीटर, हमारे पास आवर वाला कॉन्सेप्ट ये है, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। तो यहां पर दोनों यूनिट ध्यान रखना है, अगर ये सेकंड में होता सेकंड सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, चेंज भी कर सकते हो, हम क्वेश्चन को करते टाइम देख लेंगे। तो फॉर्मूला क्लियर हुआ, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर यहीं पर ही फॉर्मूले में इंटरचेंज करना है, यहां से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो डिस्टेंस इक्वल में क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यस और नो। तो नॉर्मली छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, टाइम को अगर निकालना हो तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएंगे, डी अपॉन एस हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। सो वन बाय वन अपने आप ही हम इंटरचेंज करके सभी चीजों को फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूले भी क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर, यूनिट का कॉन्सेप्ट मेन था वो भी क्लियर हो गया। अब पता क्या देखते हैं इससे रिलेटेड नोट्स, नोट्स काफी ज्यादा यूजफुल है, तो वन बाय वन सारे नोट्स को देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास देखो सब इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बोल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बोल सकते हैं, वन बाय वन सभी पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जो बहुत बेसिक है, आपने काफी बार सुना भी होगा, अगर आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ गई, मान ली स्पीड आपके पास कुछ भी आ गई, वॉट एवर एक्स आ गई किलोमीटर पर आवर में आ गई, अब इसने मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करना है, तो चेंज कैसे कर सकते हैं इसकी ट्रिक भी बताते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग वाला मेथड जो रियल जो मेथड है वो भी देख लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने हमें पता है एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आवर को सेकंड में करना है ना 60 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, बात हुई हमारे पास मिनट में आ जाएगा, लेकिन एक बार 60 से और करेंगे ना तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल, यस और नो, 10x 6 6 36 मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कैंसिल हो चुका है, चेंज हो चुका है सॉरी, 2 5 10 2 18, यस और नो, यानी कि एक छोटी सी ट्रिक भी तो बन गई क्या, अगर किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करनी है, चेंज करना है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करनी है 5/18 से, डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे, लेकिन हुआ कैसे ये आपको पता होना जरूरी था कि सर 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये रीजन, ये थोड़ा बोल सकते लॉन्ग टर्म है, समझाने की वजह से मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आप बहुत अच्छे से मान लीजिए, फर्स्ट नोट क्लियर हो गया। बात करते हैं इसी के सेकंड नोट की, वो इसी का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, मेरे पास स्पीड अगर बी मीटर पर सेकंड आ गई, अब मुझे इंटरचेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, सो बिल्कुल ईजी है, क्या करना है, यहां पर मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, यहां पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसमें आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, फंडा तो क्लियर हो गया, वो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है भी नहीं। इसकी डिटेल क्लियर, दोनों नोट्स क्लियर, थर्ड नोट्स मेरे पास है क्या, दो नोट्स क्लियर होने पर थर्ड नोट्स देखो क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मेरे पास डिस्टेंस
किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस किसी पाथ के लिए नियत हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे कि यहां से यहां तक जाने के लिए डिस्टेंस फिक्स है, एक्स किलोमीटर है, आते टाइम भी वही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस केस में डिस्टेंस मेरे पास कॉन्स्टेंट होती है, नियत होती है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के विलोमानुपाती, मतलब बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो 10th क्लास तक भी पढ़ा ये कॉन्सेप्ट। तो टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा एक छोटा सा बहुत अच्छे से क्लियर होता है, बिल्कुल उल्टा। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज ध्यान रखिए किस केस में विलोमानुपाती होते हैं, जब मेरे पास डिस्टेंस नियत हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और चीज अगर चेंज होगी वो उस हिसाब से कर लेंगे। तीनों नोट्स क्लियर। फोर्थ और फिफ्थ नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे समझते हैं क्या, उससे पहले से इरेज कर देते हैं ना। नोट्स नंबर फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं, बहुत आसान से और सबसे ज्यादा अब तक के इंपॉर्टेंट नोट्स है। फर्स्ट और सेकंड तो क्या थे, बिल्कुल बेसिक थे, 5/18, 18/5, काफी बार सुना हुआ है ये कॉन्सेप्ट भी, सुना हुआ होगा। लेकिन 10th क्लास में हमने ये पढ़ा भी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के केस में। आपने अगर 10th क्लास सीबीएसई से किया तो चैप्टर 3rd की आपने 6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे होंगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन ना ये कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि उससे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट। ये यदि दो व्यक्ति क्रम से अगर कोई भी 2% दे दें, 1% ये ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है, 1% बी पॉइंट पर खड़ा हुआ है, उन्हें बोला है दो व्यक्ति क्रम से एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर आवर, अलग अलग हमारे पास स्पीड की बने, एक्स वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है या 40 की, चाल से समान दिशा में चल रहे हैं। अगर दोनों यानी बी भी यहीं पर है, अगर बी भी यहां पर है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, समान दिशा में चल रहे हो, तो उनकी सापेक्ष रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है, एक्स माइनस वाई। ध्यान रखेंगे जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड को माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। इन दिस केस वी शुड अंडरस्टैंड कि एक्स हमारे पास ग्रेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड वाले कांसेप्ट माइनस में नहीं आएगा। तो आपको पता चलेगा दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। ऐसे ही आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम केस में हमने देखा, माइनस वाला प्लस वाला कॉन्सेप्ट। यदि दो व्यक्ति क्रम से एक्स किलोमीटर पर आवर वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, अभी आपने देखा ये वाला केस यहां बना लेते हैं, यहां से ए चल रहा है और बी बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये नहीं है कि सेम टकराएंगे, हल्का ऊपर नीचे भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ए मानो ऊपर, देखा आपने ट्रेन देखी होगी, एक ट्रेन इस पटरी पर जा रही है, सेकंड उसकी अपोजिट पटरी पर आ रही है, अपोजिट है लेकिन डिफरेंट पटरी पर है ना, तो मतलब उसकी अपोजिट आ रही है, विपरीत दिशाओं में होगी। तो ध्यान रखना उसकी रिलेटिव स्पीड बोल सकते, सापेक्ष चाल जो भी होगी प्लस होने वाली है। एक्स प्लस वाई किस केस में होगा आपको समझ में आ गया होगा, तो अपोजिट के केस में क्या होगा, प्लस होगा, और सेम डायरेक्शन वाले में माइनस होगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और ट्रिक की अगर आप बात करते हैं, कैसे आपको याद रहेगा सर, कंफ्यूजन बहुत रहता है। सेम डायरेक्शन है, एस फोर सेम, एस फोर सब्ट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, बस ये ध्यान होगा। अब दूसरा वाला तो ऑब्वियसली बात है प्लस ही होगा, एक याद हो जाएगा। तो होप सो ये पांचों नोट्स अच्छे से क्लियर हो गए। एक चीज और बताऊं मैं, टाइम डिस्टेंस और स्पीड में यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये पांच नोट्स और स्पीड का फॉर्मूला और उसकी यूनिट, इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर एक सेपरेट सीरीज आने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल सकते हैं PYQS, जो सुपर टेट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। सो चैनल पर आप बने रहिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए, कॉन्सेप्ट आपको ये नोट्स अच्छे लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।